जी ये दिल मांगे मोर, तो आप लोगों को मैं बताऊं कि दिल जितना आप लोग मोर पे मोर करेंगे, हम लोग उतने बरसात पे बरसात करते रहेंगे। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं। जी आप कुछ कहना चाहते वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये तो सक्सेना जी का जादू है कि सबके सर चढ़ के बोल रहा है। जी आप लोगों को हम लोग अपने मीडिया सेंटर के बारे में कुछ थोड़ा बता दें कि देखिए, जब से हम लोगों ने कुछ दो तीन सालों से हम लोगों ने, आप हैदराबादियों के लिए ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों ने अपने मीडिया सेंटर के तहत जो नॉलेज सीरीज़ है उसके तहत हम लोग तो फिल्म प्रोड्यूस करते ही हैं। रिजवान साहब जो ऐसी हमारे यहाँ डायरेक्टर नहीं बने, उसकी पीछे जो उन्होंने बहुत मेहनतें की हैं, और मेहनत तो उन्होंने उस वक्त किया था, अभी हम लोगों से करा रहे हैं। तो उन्होंने फिल्म उर्दू एंड सिनेमा पर 5 एपिसोड बनाया है, जिसको मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसको देखिए। जब आप लोग उसको देखेंगे तो आप लोगों को और लगेगा कि अरे वाह, तब तो मुझे, हम सब लोगों को शायरी करनी चाहिए उस पर। और अभी हम लोगों ने एक चीज़ शुरू की है कि हम लोग खुद फिल्म फेस्टिवल हम लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, और फिल्म फेस्टिवल जो दो तीन इस सेगमेंट पे है, पहले इससे पहले हम लोगों ने ईरानियन फिल्म फेस्टिवल किया था, तो उस वक्त ईरानी फिल्म फेस्टिवल जब किया था तो उसमें हम लोगों ने एक, उससे पहले हम लोगों ने ए के बीर साहब जो लोग सिनेमेटोग्राफर हैं आप लोग जानते होंगे, ए के बीर साहब गांधी फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हैं, बहुत रिनॉन हैं, उनको हम लोगों ने इन्वाइट किया था। हम लोगों ने, उनका टॉपिक था सिनेमेटिक लैंग्वेज टू अंडरस्टैंडिंग द सिनेमेटिक लैंग्वेज, उस पर हम लोगों ने लेक्चर ऑर्गेनाइज किया था। उसके बाद जो राफ्ट रामोजी फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट से हमारे यहाँ नाम उनका क्या था, रविशंकर सर जो FTI पुणे के खुद साउंड इंजीनियर हैं, उनको इन्वाइट किया था। तो उन्हें कंटेंट क्रिएशन पर उनका टॉक था, और उससे हम लोगों को इन्वाइट किया था। और बात है कि हम लोगों ने ज़्यादा एडवर्टाइज नहीं किया था तो लोग आ नहीं पाए थे। तो अभी आप लोगों का ये ईमेल आईडीज हमारे पास है, तो वो हम लोग उसके ज़रिए से हम लोग आप लोगों को कांटेक्ट करते रहेंगे। और जब जब हम लोग कोई इस तरह के फेस्टिवल या कुछ ऑर्गेनाइज करेंगे, आप लोगों को इनविटेशन हम लोग भेजते रहेंगे। तो आप लोगों को जब जब भी मौका मिले आप लोग आइए। अभी रिसेंटली हम लोग कल किस टाइम पे हम लोग कर रहे हैं, 5 बजे 4:30 हम लोग फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में दिखाएंगे, कुछ फिल्म प्रोड्यूसर भी होंगे, कुछ फिल्म डायरेक्टर भी होंगे, जो आप हमारे साथ आपके साथ बात करेंगे। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा, और जितना दिल मोर मांगेगा ये मोर होता चला जाएगा। अब ये कि मुझे ज़्यादा बोलना नहीं था, मैं सक्सेना जी का मैंने टाइम ले लिया, तो सक्सेना जी कह रहे हैं कि बस आप मेरा शुक्रिया अदा कर दीजिए, बस हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक बार आप अपने ऑडियंस के अपना चेहरा तो दिखा दीजिए, अब एक बार लास्ट बार जलवा दिखा दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी बोल लिए तो अब ज़्यादा रहा नहीं बोलने के लिए, सिर्फ ये है कि एक तरह का जो आपने शुरू में कहा कि एक आगाज़ है, दिस इज़ ओनली द बिगिनिंग, और आप को अगर लगता है दैट आफ्टर 5 डेज यू स्टिल फाइंड दिस मीडियम फैसिनेटिंग एंड इंटरेस्टिंग एंड वर्थ योर वाइल, तो आप इससे जुड़े रहिए। आई थिंक दिस इज़ अ मीडियम ऑफ परसिस्टेंस, इसमें जुड़े रहना और लगे रहना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि कुछ दिन आप जुड़े रहे और फिर पीछे हट गए, और वो तो बता ही चुके, FTI के ऐसे कोर्सेज होते रहेंगे। इफ़ यू आर फाइंडिंग 5 डेज टू बी अ शॉर्टर कोर्स, तो इसके बाद मुझे लगता है कि बात असल में ये है कि एक तो कंटेंट है कि हम क्या कहना चाहते हैं और हम कौन सी चीज़ साझा करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, और दूसरी चीज़ फॉर्म है कि हम उसको, वो हमारा अंदाज़े बयां क्या है, हम किस तरीके से उसको करना चाहते हैं। तो जो सेकंड पीस है ये फिल्म में बहुत बड़ा है, पोइट्री में बहुत छोटा है क्योंकि आपको लिखना ही है, लेकिन फिल्म में ये बहुत बड़ा है, तो वो थोड़ी शिद्दत थोड़ी परसिस्टेंस मांगता है। तो आपको अगर इस कोर्स के बाद लगता है कि राइटिंग आपका एरिया है, मेरे ख्याल से इतनी क्लैरिटी हो जाती है, या सिनेमेटोग्राफी मेरा एरिया है, या एडिटिंग या डायरेक्शन या प्रोडक्शन या कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग जो भी है, तो इन सब चीज़ों पे FTI के शॉर्ट कोर्सेज होना अब शुरू हो गए हैं, और इंशाल्लाह वो हैदराबाद में होंगे तो आप पार्टिसिपेट कीजिए, या कहीं और होंगे तो वहाँ पार्टिसिपेट कीजिए। लेकिन अगर आपको दूर तक जाना है
तो परसिस्टेंस विल बी अ ग्रेट एसेट फॉर यू. बट आई रियली एन्जॉयड फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेक्टिंग विद यू. ये फिल्म सेंटर था, उम्मीद थी कि यहाँ पे बहुत अच्छा कोर्स होगा और वो हुआ. उसका बहुत बड़ा क्रेडिट आप लोगों को जाता है, द वे यू हैव इंटरेक्टेड. आई थिंक इट हैज़ बीन, मैंने पहले दिन कहा था कि सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिला. मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ. सो फॉर दैट आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू. और ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये सबसे अच्छा बेस्ट ऑर्गेनाइज फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स है पूरे हिंदुस्तान में. और उसकी वजह सिर्फ ये है कि रिजवान साहब और उनकी टीम इतनी बढ़िया है कि मतलब हमारे यहाँ जो कोर्सेज ऑर्गेनाइज करते हैं, मैंने किसी के कमरे में गॉडफादर का पोस्टर नहीं देखा और दुनिया भर की खूबसूरत फिल्मों के पोस्टर्स नहीं देखे. तो ऐसा फिल्म लवर अगर उस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर रहा है तो वहाँ से वो गंगा वहाँ से बहना शुरू होती है. और मैं देख रहा हूँ कि ये पहली जगह है जहाँ पे टेक्निकल टीम, हम जिस दिन भी आए 5 मिनट 10 मिनट हमसे पहले आके एवरीथिंग इज़ रेडी वो बैठे रहे. तो बिल्कुल उनके लिए वाकई बहुत तालियाँ होनी चाहिए. और उन सब का शुक्रिया अदा करना भी ज़रूरी है जिन्होंने हमारा ख्याल रखा, जिन्होंने अपने कमरों में हमको महफूज रखा, जिन्होंने हमको रोटी खिलाई. बिकॉज एवरीथिंग एक्चुअली वेंट इन टू मेकिंग दिस कोर्स अ सक्सेस. सो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम एंड ऑल्सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू. एंड मे दिस एसोसिएशन कंटिन्यू. एक बड़ी बात यह है कि जो आपने कहा कि FTI का अगर कोई एल्यूमनाई है या FTI का कोई अगर परिवार है तो आज से आप सब उसके सदस्य हैं. एंड इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट दैट वी स्टे इन टच एंड प्रोग्रेस एंड डेवलप फर्दर. Thank you very much. Thank you sir. Thank you. मेरा तो बहुत सारा काम आपने आसान कर दिया. मुझे अपने स्टाफ का शुक्रिया अदा करना था. तो अब चूँकि तालियां उनके नाम पर बज चुकी हैं तो अब मज़ीद एक बार अगर आप लोग एक मैं बाई नेम सब लोगों को अगर कर दूँ शुक्रिया तो अच्छा लगेगा. आप लोग सबसे पहले शुक्रिया तो VC साहब का कि उन्होंने हम लोगों को परमिशन दिया और रजिस्ट्रार साहब का वो इस यहाँ पर आए हुए थे और हमारे मीडिया सेंटर के स्टाफ जनाब शकील साहब हैं जो जितना भी टेक्निकल स्मूथनेस आप लोगों को दिखाए. शकील साहब एक मरतबा आप लोगों को देखिए वो जामिया से पढ़े हुए हैं तो वो उनका एक्सपीरियंस उन्होंने बहुत यहाँ पर. इससे पहले ये होता ये था कि साउंड में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी और बहुत अच्छे से सुनाई नहीं देता था. तो शकील साहब ये ऐसे आदमी, उन्होंने इसको फाइंड आउट किया कि ये प्रॉब्लम कहाँ पे है. चूँकि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये इंजीनियरिंग सेक्शन वाले करते हैं. उसके बाद मिस्टर आमिर बद्र, ये प्रोड्यूसर हैं हमारे यहाँ. जितने सारे हमारे जो सोशल मीडिया के तई से हमको बहुत ज़्यादा फॉर्म्स वहाँ से रिसीव हुए और लोगों के कॉल्स आए. और उसने एक गुस्ताखी ये की थी कि इसने मेरा नंबर दे दिया था फेसबुक में तो वो मैं रात भर कॉल मुझे मैं सोचा चलो ठीक है दे तो दिया, मैं तो रिसीव भी कर रहा हूँ. लेकिन कुछ लोगों ने मुझे 11:30 रात भी कॉल किए तो चलो ठीक है ये किया. और उसके बाद मिस्टर एक और ये जो बता रहे थे सक्सेना जी के इतने अच्छे पोस्टर्स और इतने सारे ये सोशल मीडिया में भी जितने सारे खूबसूरत पोस्टर्स जो क्रिएट किए गए और कंटेंट क्रिएशन जिसने किया है मिस्टर उमर आजमी, ये वे प्रोड्यूसर हैं तो उन्होंने किया. और उसके बाद और भी जितने सारे लोग इसमें पोस्टर छपवाने में और पूरे शहर में जो पोस्टर चिपकाए वो है गौस हमारे यहाँ. गौस एक मिनट तो खड़े रहिए. और सारे स्टाफ भी हमारे नहीं अभी जिसमें ऑडियो का कभी भी आप लोगों को लगाने की ऑडियो नहीं आ रहा या कोई प्रॉब्लम हो रहा है वो सलाहुद्दीन है हमारे यहाँ टेक्नीशियन खड़े रहिए. तो एक बार उनके लिए जरूर. और आप लोगों के एक खुशखबरी ये बता दूं कि अगर आप लोग इस बार मिस कर गए होंगे कुछ कि मैं इनॉग्रल फंक्शन में नहीं था, उसमें किसने क्या बोला और हो सकता है कुछ चीज़ें हम लोग को लिंक्ड लगे कि हम लोग नहीं कर पाएँ, हम सब लोग सब ने इस चीज़ को रिकॉर्ड किया है और ये यूट्यूब में अवेलेबल है. उसके लिए उन्होंने ऑनलाइन अगर किया है वो मिस्टर हसमत अलिया इन्होंने किया है तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं. मिस्टर सतीश गुप्ता वो उन्होंने कैमरा किया है. उसके बाद मंजूर जिन्होंने आपको लाइट का कभी आप लोगों को ऐसा लगा लाइट चली गई, नहीं लगा ना, वो उसके जिम्मेदार मंजूर है. खड़े ये और अच्छा जिसने हमारी पिक्चराइजेशन की और सब लोगों को फैलाया, मैं तो इसका नाम ही भूल गया, असल ये सामने ही रहता तो मैं भूल जाता हूँ, ये मिस्टर अबदुल्ला रेहान जिसने अच्छे अच्छे फूल से. और एक नाम नंदू दी चले गए शायद यहाँ से. और जब आप लोग बाहर गए होंगे कभी पानी की कमी नहीं रही और हमेशा टाइम पे चाय वक्त पे चाय आती रही. अब वो हैं मिस्टर शुकुर हमारे यहाँ सारी चीज़ों का देखते हैं, सब लोगों को चाय पिलाते हैं.
एक मरतबा आप लोग मेरे नाम पे भी ताली बजा दीजिए. थैंक यू सो मच. मुझे सब लोगों को अच्छा लगा. अब ये है कि बहुत जल्दी माइक किसका अभी अच्छा मेरे बाद तो अच्छा अभी आने वाले हैं ना अभी अभी बहुत बड़े शख्सियत आने वाले हैं उसके बाद बोलेंगे अभी बाद में. अब मैं वही लोग हैं. अब ये है कि हम लोग सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसके बाद फिर हम लोग उसके लिए मैं मिस्टर गौस को इनवाइट करूंगा इसलिए कि जितना अच्छा तेलुगु नेम वो पढ़ सकता है ना वो कोई नहीं पढ़ सकता. तो आप लोग वन बाई वन जिस हिसाब से नंबर इसमें था एक मतलब एक लिस्ट लगा दीजिए तो उसमें से लगा डाउनलोड में होगा. संदीप एम मेनन डॉक्टर जे मधु बाबू आई विल कॉल टू नेम्स एट द टाइम पायल जय गणेश मधु बाबू फर्स्ट इज एब्सेंट देन जय गणेश सौजन्या बाबू वीवीजी रवि तेजा नूर अली शेख जनार्दन जुई गुंटा के रमेश बाबू मोहम्मद सलीम के रमेश बाबू देन मोहम्मद सलीम शिबू केपी यस श्रीनिवास राव शिबू केपी यस श्रीनिवास राव चिलकोरी सुशील राव निशांत संप्रीत चिलकोरी रघु कार्तिक गुर्राला उदय किरण विश्व किरण कति सी एच जगदीश मोहम्मद मुतीउल रहमान मोहम्मद इसरार अहमद मोहम्मद अब्दुल रहमान हाजरा कुलसुम मोहम्मद अब्दुल शुकुर शांतनु सिन्हा रॉय बीवी कृष्णा जी राव बीवी कृष्णा राव कंबापाली कृष्णा सनहा रिजवान
सना रिजवान, यम नागराजू, यम नागराजू, रवि बाबू नन्नम, शैलाश्री, अखनूर गौतम, मनोज वंशी, मोहम्मद आम, सैयद आदिल शमीम, मेघा मित्तल, मेघा मित्तल, डॉक्टर मीर हशमत अली, सूर्य शंकर, के युगांधर, मैत्री, मैत्री, लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी, लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी, नीला ग्रीवा, वंशी कृष्णा, वंशी कृष्णा, संदीप कुमार,